गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 9, वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्मर्स. एंड इट इज नाउ आवर टॉपिक इज कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्मर्स. इट इज द पेज 114 ऑफ योर बुक. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था इसमें कि महिलाओं के लिए राजा राम मोहन राय सामने आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, स्वामी विवेकानंद आए, और भी कई जो है मोस्ट रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षाओं पर जोर दिया और विधवा विवाह का समर्थन किया. और इसमें कई ऐसी महिलाएं आईं जो कि 19वीं या 20वीं शताब्दी में शिक्षित हैं, और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़ोरों से आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि आंदोलन किया. और जो लास्ट में जो हमारे नेहरू जी थे उस वक्त के राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वह महिलाओं को ज़रूर से समानताएं दिलाएंगे और उनके साथ जो भेदभाव आया है वो उसे ख़त्म कर देंगे. पर अभी जो लड़ाई चल रही है वो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, और वो सबसे पहली लड़ाई स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है, और बाद में महिलाओं के लिए स्पेशल रूल्स और समानता स्वतंत्रता का अधिकार बनाया जाएगा. अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्मर. सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कस ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट अनइक्वलिटीज़. कुछ जो समाजवादी सुधारक थे उन्होंने जो जातिवाद के नाम पर जो समुदाय के अंदर भेदभाव होता था उसका विरोध किया. राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वॉज क्रिटिकल ऑफ द कास्ट. राजा राम मोहन राय ने एक बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था उसका अनुवाद किया है, जो कि एक बहुत ही जातिवाद की आलोचना थी. द प्रार्थना समाज adhere to the traditional of bhakti and believed in the spiritual equality of all the caste. जो प्रार्थना समाज बना उसने सभी लोगों को जाति के नाम पर भेदभाव करने के लिए मना किया और सभी को समाज में समान रूप से अधिकार दिलाने की बात रखी. इन बॉम्बे द प्रार्थना In Bombay, the Paramhans Mandali was found in 1840 to work for the abolishing of caste. एक जो परमहंस मंडली थी और उन्होंने जातिवाद को मिटाने का काम किया. मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर द पीपल ऑफ द अपर कास्ट. ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग दिस रिफॉर्म्स वुड वायलेट कास्ट तबूज ऑन फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रीड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट पे जस्टिस इन देयर लीव्स. तो ये जो परमहंस के जो मंडली थी, इसके जो सुधारवादी नेता थे, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बहुत ही ज़ोरों से और अछूतवाद के द्वारा जो होती थी बहुत ही ज़ोरों से उन्होंने आवाज़ उठाई. देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन एंड इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी. क्रिश्चियंस मिशनरीज बिगन स्टार्टअप स्कूल्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन. दिस चिल्ड्रंस वर दस एक्यूर्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड. अब उनकी इस आवाज़ को उठाने से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे थे, यानी कि जो नीची कास्ट के बच्चे थे, उनके लिए अलग से स्कूल खोल दिए गए, लेकिन उसमें बच्चों को बहुत ही कम ही साधनों के साथ तकलीफ में पढ़ाया जाता था. एट द सेम टाइम द पुअर बिगन लिविंग देयर विलेज टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़. अब इसी समय में जो गरीब लोग थे, क्योंकि उनको गाँव में रोज़गार नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लिए अपनी नौकरियों के लिए. देर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दे दैट वर कमिंग अप एंड द जॉब्स इन म्यूनसिपलिटीज़. और अब वो जो गांव से आए हुए मजदूर थे वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे,
और म्यूनसिपलिटीज़ में काम करने लगे, सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करने लगे। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज इन द चैप्टर 6। थिंक ऑफ न्यू डिमांड्स ऑफ द लेबर दिस क्रिएटेड। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट एंड सिटीज क्लीन। दिस रिक्वायर्ड कॉलोनीज एंड डिगर्स, कैरियर्स एंड ब्रिकलेयर्स, स्वैग क्लीनर्स, स्वीपर्स, रिक्शा पुलर्स। वेयर डिड द लेबर्स कम फ्रॉम? अब देखिए, जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे जो लेबर्स हैं उनकी आवश्यकता बढ़ने लग गई। अब जैसे नगर बसने लगे तो नगरों को साफ करने की, झाड़ू वगैरह लगाने की, नालियों की सफाई की व्यवस्था की, तो इन सब की ज़रूरत पड़ने लगी। इसी तरीके से सामान को उठाने की, उसको ढोने की, रिक्शा की और स्वीपर्स की, वो सबकी ज़रूरत होने लगी। वेयर डिड द लेबर कम फ्रॉम? अब ये जो लेबर था वो कहाँ से आता था? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड द स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम द लो कास्ट बिगन मूविंग टू स्ट्रीट्स वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड ऑफ द लेबर। तो ये जो मजदूरों की जो नई डिमांड थी, जो कि नगरों के विकास के साथ और देश के विकास के साथ इनकी ज़रूरत बढ़ रही थी, तो ये लेबर कहाँ से मिल रहा था? ये लेबर वही गांव के लोग थे और वही नीचे कास्ट के लोग थे जिन्हें कि अछूत माना जाता था। अब वो इन लेबर्स के रूप में शहरों में जाकर कार्य करने लगे। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम, और कुछ मजदूर आसाम में प्लांटेशन में का वर्क करने लगे। मार्थ्यूस ट्रिनिडैड एंड इंडोनेशिया, वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज ऑफन वेरी हार्ड, बट द पुअर द पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपोजिंग एंड होल्ड द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स एक्सरसाइज ओवर देयर लीव्स एंड डेली ह्यूमिलिएशन दे सफर। ये जो नई जगह पर काम करना वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और उसके अलावा उन्हें जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी भी घृणा और असमानता का सामना करना पड़ता था। तो ये जो बेचारे मजदूर हैं जो काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी नज़रें गिरानी पड़ती थी, क्योंकि जो ऊँची जाति के लोग हैं उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेदर वर्क्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड द कंटेंप्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स। Which are seen as dirty and the polluting. During the First World War, however, there was a hug demand for shoes for the armies. Caste prejudices against leather work mean that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes. So they could ask for high price and gain impressive profits. अब देखिए, लेदर वर्क्स हु कुड प्रोड्यूस शूज, मतलब शूज़ कौन बनाता था? लेदर के शूज़ की उस समय बहुत डिमांड थी। सेना के जितने भी सैनिक थे उनको लेदर के शूज़ पहनने पड़ते थे, लेकिन उस समय क्योंकि जातिवाद के ऊपर बहुत आंदोलन चल रहा था, तो जूते बनाने की मनाही थी, और जूते केवल वही लोग बना सकते थे जिन्हें कि अधिक कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त था, तो वही लोग जो हैं जूते बनाते थे, तो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। मदीक्स वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मदीक्स करके एक जाति है, उनको अछूत माना जाता है। दे वर एक्सपर्ट्स एट द क्लीनिंग हाइट्स, टैनिंग दैम फॉर यूज एंड स्विंग सैंडल्स। तो ये जाति जो है वो जूते बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देयर वर अदर जॉब टू, द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर द अपॉर्चुनिटीज अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल। महार जाति के लोगों को भी अछूत माना जाता था। फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट, उनको महार रेजिमेंट में जॉब मिलती थी। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉच एट द आर्मी स्कूल, जो
भीमराव अंबेडकर के पिताजी थे जिन्होंने कि दलित मूवमेंट चलाया था, वो एक आर्मी स्कूल में पढ़े हुए थे। डिमांड्स फॉर द इक्वलिटी एंड जस्टिस ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ कहाँ क्या ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम द विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्टस बिगेन ऑर्गेनाइज मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो वो सब लोग जिनके साथ भेदभाव होता था, असमानता का भेदभाव होता था और अत्याचार होता था, उन सब ने मिलकर अब जो उच्च जाति के लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और बहिष्कार शुरू कर दिया। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड इन द घासीदास हु वर्कड अमंग द लादर वर्क एंड द ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ऑफ इम्प्रूव द सोशल स्टेटस। सतनामी मूवमेंट जो कि सेंट्रल इंडिया में चला था, मध्य भारत में चला था, वो लैदर वर्कर घासीदास द्वारा चलाया गया था जो कि एक सामाजिक पुनरुत्थान करना चाहता था। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर वर्कड अमंग द कलेक्टिवेटर्स चांदला कलेक्टिवेटर्स। हरिदास क्वेश्चन्ड ब्राह्मणिकल टैक्सेस दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम इन वॉज द प्रेजेंट डे केरला द गुरु फ्रॉम द इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज ऑफ द यूनिटी ऑफ हिज पीपल ही argued against the treating people unequally on the basis of the caste difference. According to him, all the humankind belong to the same caste. One of his famous statement was, Aru jati, Aru matam, Aru devyam and manushyanu. One God for ह्यूमन काइंड। तो ये जो हमने कई लोगों के नाम पढ़े, उन्होंने समाजवादी सुधार लाना चाहा और बोले कि जाति के नाम पर किसके साथ भेद नहीं करना चाहिए, सभी जो जाति में सभी जो पुरुष और स्त्री हैं वो सभी रूप से समान हैं और उनके लिए एक समान जो रूल है वो होने चाहिए। ऑल दिस सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम द नॉर्थ ब्राह्मण कास्टस एंड वर्कड अमंग्स देम। और इसमें कई लोगों ने मिलकर इसमें ये जो सुधारवादी आंदोलन हुआ था जातिवाद के खिलाफ, उसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि और वो ये वो लोग थे जो कि ब्राह्मण जाति से संबंधित नहीं थे। दे ट्राइड टू चेंज दोज हैबिट्स एंड द प्रैक्टिसेस विद द प्रोवोक द कंटेंप्ट ऑफ द डोमिनेटेड कास्ट। दे ट्राइड टू क्रिएट अ सीन ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट्स कास्ट। तो ये वो ये चाहते थे कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपने जितने भी उनके जो भी वो सिस्टम अपनाते हैं उसमें चेंज करें और वो दूसरी जातियों को भी अपने समान सम्मान दें। अब इसका जो ये पार्ट है हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर और भी ज़्यादा बड़ा है और वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम मतलब जो चैप्टर का आगे का भाग है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट थ्री पार्ट हो चुके हैं, फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे। और अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो पेज नंबर 117 से होगा, गुलामगिरी से स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच।